अच्छा, तो ब्रांडेड डोमेन रिसर्च करने के लिए आपको सबसे पहले आपका माइंड जो सेट होना चाहिए वो ये कि आप क्या करने जा रहे हैं। आई मीन टू से कि आप कौन सा ब्रांडेड डोमेन नेम आपने, मतलब कौन सा ब्रांड नेम आपने की चूज़ किया है। अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ फाइवर उर्दू हिंदी पे, तो मैं कहूँगा कि यार मैं FUH, ठीक है, FUH मीन फाइवर उर्दू हिंदी, ठीक है। अब मैं अगर FUH.com लिख के एंटर करता हूँ तो पहली वेबसाइट आई थिंक होगी, बल्कि यहाँ से पता नहीं लगता। मैं यहाँ पे आता हूँ FUH.com, ठीक है, देखते हैं कि ये आपको मिलती है, हमें मिलती है या नहीं। अगर मिलती है तो ठीक, नहीं तो अवेलेबल नहीं होगी, हम इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये अवेलेबल किसी ने बाय नहीं की। मैं अब यहाँ पे आता हूँ, अच्छा ये तो कोई और, अभी FUH.com, इसको मैं यहाँ पे आता हूँ वो गो ड्यूटी से, ठीक है, या वन एंड वन से आ जाते हैं, जिस पे भी आते हैं, 1&1.com, वन एंड वन डॉट कॉम, ठीक है। यहाँ पे अब मैं देखता हूँ कि ये अवेलेबल है या नहीं। इस बॉक्स के अंदर अब मैंने मुझे लिखना होगा FUH.com, ठीक है। अब आगे चेक पे क्लिक करें, ठीक है, मैंने क्या लिखा, FUH.com, यानी कि फाइवर उर्दू हिंदी एक ब्रांडेड नेम है। देखते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। जस्ट आपको यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है वी आर सॉरी FUH.com इज़ टेकन, ठीक है, ऑलरेडी किसी ने ले लिया है। नहीं, अवेलेबल डॉट कॉम में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। द FUH वो अवेलेबल है $9 के अंदर, लेकिन वो फजूल है, हमारा जो ब्रांडेड नेम था वो FUH, लेकिन मैंने ऑलरेडी डोमेन ले ली है फाइवर उर्दू हिंदी, ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मुकम्मल उसका स्टैंड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब लेट सपोज़ आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, मिसाल ले लें आप कर रहे हैं कोई ऑफलाइन काम कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कर रहे हैं ट्यूटोरियल्स का, तो आप चाहते हैं कि आप ब्रांडेड नेम रखें उसमें, कोई ट्यूटोरियल वेटोरियल कैसे करना हो, एक ब्रांडेड नेम। तो मैं अब जैसे लिखता हूँ फेज़ टूट्स, या टूट्स नहीं लिखते, ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैं लिखता हूँ FM, ठीक है, द FM टूट्स डॉट कॉम, ठीक है। अब मैं इस पूरे को यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ और इंटर करता हूँ। मैंने अब क्या लिखा, द FMTuts.com, ये कह रहे अवेलेबल है लेकिन नाम बहुत लंबा है, तो मैं सिर्फ अगर FMTuts करके देखता हूँ ये भी मुझे मिल जाएगा। मेन मकसद जो मेन आपको समझाना था वो ये था कि यहाँ पे जो ब्रांडेड नेम होता है वो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके, और एक दूसरी बात, ब्रांडेड नेम, अब लेट सपोज जैसे मेरा फाइवर उर्दू हिंदी था FUH, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है, लोगों ने FUH.com ऑलरेडी ले लिया, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये एक वेबसाइट है लीन डोमेन सर्च, ठीक है, लीन डोमेन सर्च आप जब गूगल में टाइप करेंगे, ये पहली वेबसाइट है लीन डोमेन सर्च, फाइंड ए ग्रेट डोमेन नेम इन सेकंड्स, इस पे क्लिक करेंगे, एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत टाइम से मैं 2-3 साल से ये यूज़ कर रहा हूँ और बहुत मतलब अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो आपका ब्रांडेड नेम हो वो आप लिखें, जैसे मेरा है FUH, ठीक है, FUH लिख कर सर्च डोमेन करें, और ये आपको तमाम वो डोमेन जो अवेलेबल डोमेन होंगी वो आपको शो कर देगा FUH के रेलेवेंट, ठीक है, उससे जो मिलती जुलती जो डोमेन नेम होंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपके पास डोमेन मेरे पास आ गई, my FUH online, इसका मतलब ये डॉट कॉम में, ठीक है, ये तमाम डॉट कॉम में होती हैं, डॉट कॉम यहाँ पे शो नहीं है, लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये देखिए ये कहेगा FUHonline.com अवेलेबल। मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई ऐसी जो के मिलती जुलती, अब नहीं है ऐसी कोई, तो जब आपका ब्रांडेड नेम हो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। देखें माई FUH, FUH वेब, FUH मीडिया, प्रो FUH, FUH नेट,
अब ये क्या है, fuhnet.com, teachfuh, इसका मतलब टीच फाइवर उर्दू हिंदी डॉट कॉम, तो ये भी एक अच्छी डोमेन है आपके उसके लिए, ब्रांडेड नेम के लिए, ठीक है। शॉप fuh, अगर आपकी कोई ऐसी शॉप हो तो फिर तो आपके लिए देखें यहाँ पे इजीली ब्रांडेड नेम बन गया। टॉप fuh, लव fuh, और ऐसे आप नीचे देखते जाएं, और यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन है ना ऊपर टॉप पे अगर आप चले जाएं, ये पॉपुलरिटी है, लेंथ है और अल्फ़ाबेटिकल है। मैं इसको अगर लेंथ पे करता हूँ तो ये मुझे क्या शो करेगा, लेंथ के हिसाब से शो करेगा, शॉर्ट जितने भी शॉर्ट डोमेन होंगे वो मुझे शो करके देगा। मैं इसको पॉपुलरिटी पे छोड़ता हूँ, ठीक है, पॉपुलरिटी, और नीचे से जो है ये कहते हैं स्टार्ट विथ सर्च टर्म एंड विथ सर्च टर्म, ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ, ये तो ठीक है, चले ठीक है। अब यहाँ से भी इसको थोड़ा सा, दो तीन ऑप्शन होते हैं, पॉपुलरिटी, लेंथ और अल्फ़ाबेटिकल, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो भी यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करेंगे मज़ीद आपके पास लिस्ट ज़्यादा हो जाएगी। अभी इसने फ़िलहाल ये जो है fuh, ठीक है, इस वर्ड के लिए हमें 4900 यानी कि 4969 अवेलेबल डोमेन इसने हमें सर्च करके दे दी है 4.5 सेकंड के अंदर, 4.75 सेकंड के अंदर। तो यहाँ से कोई भी ऐसे जो कि आपके ब्रांडेड नेम के साथ मैच करता हो, ठीक है, डॉक्टर fuh, बहुत अच्छे अच्छे नेम यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, आपके जो ब्रांडेड नेम है उससे मिलते जुलते, तो देख लिए वो डोमेन नेम। अब लेट सपोज़ मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ फाइवर एक्शन fuh हिट, यहाँ पे एक था टीच fuh, कंट्रोल एफ करता हूँ मैं, टीच fuh, fuh टीचर है, चलें यही करने हैं, fuh टीचर, ठीक है, फाइवर उर्दू हिंदी टीचर। इसको अगर आप यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, और नीचे ये दूसरी बात देखें, ये आपको कह रहा है fuh टीचर डॉट कॉम इज़ स्टिल अवेलेबल, fuh टीचर इज़ अवेलेबल ऑन ट्विटर, ठीक है, इसका मतलब ट्विटर पे भी अवेलेबल है, ट्विटर पे आप इस यूज़र नेम से आईडी बना सकते हैं। अब अगर मैं वन एंड वन डॉट कॉम पर आता हूँ तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी 99 रुपये की यानी कि 100 रुपये की ये एक डोमेन मिल जाएगी पूरे एक साल के लिए $1 के अंदर। यहाँ पे आप अपनी डोमेन का एड्रेस पेस्ट करते हैं, और इसको आगे चेक कर दें, ठीक है, लाजमी बात है वहाँ पे आपको उसने बता दी अवेलेबल होगी, तो यहाँ पे भी अवेलेबल आपको ये कह देगा कि ये अवेलेबल है, ठीक है, ये देखें इज़ अवेलेबल, और इसकी प्राइस क्या है, 0.99 डॉलर, तो ये ब्रांडेड नेम है, ठीक है, fuh, fuh टीचर डॉट कॉम, ये एक दफ़ा अगर किसी को याद हो गया, वो गूगल में लिखता है fuh टीचर तो पहले नंबर पर आपकी वेबसाइट होगी, और तमाम तर वो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो कि मैंने आपको बताए हैं पिछली वीडियो में, वो इस डोमेन के लिए वो इस पर लागू हो जाएंगे।